गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ कॉन्टीन्यूअस डिस्टिलेशन फ्रेंड्स अब तक के लेक्चर में हमने बेसिकली बात किया था बैच डिस्टिलेशन के बारे में आज हम ये समझेंगे कि कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन क्या होता है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं ये बेस्ट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है एंड मैनी मोर थिंग्स सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से, से शेयर कीजिए फ्रेंड्स मेरा ये जो लेक्चर है इसका पी का लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दूंगा तो जिसको भी वो डाउनलोड करना है वो इजिली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विथ टूडेज़ लेक्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन होता क्या है सो फ्रेंड्स कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन जो होता है इज़ एन ऑनगोइंग सेपरेशन प्रोसेस इन विच अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू और मोर कम्पोनेंट्स इज कॉन्टीन्यूअसली फेड इन टू द प्रोसेस एंड फिजिकली सेपरेटेड इन टू टू और मोर प्रोडक्ट्स बाई प्रिफ्रेंसली बॉयलिंग द मोर वोलेटाइल लो बॉयलिंग कम्पोनेंट्स आउट ऑफ द मिक्सचर फ्रेंड्स इसके केस में जो भी हमारा डिस्टिलेशन होता है टावर उसमें कॉन्टीन्यूअस आपकी फीट एंटर करती रहती है और कॉन्टीन्यूअस मेरे को प्रोडक्ट्स विड्रॉ होते रहते हैं सो so, फ्रेंड्स ऐसा कोई भी सेटअप जो जिसमें कॉन्टीन्यूअस मटेरियल इनलेट हो रहा है और मटेरियल आउटलेट हो रहा है उसको बेसिकली हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन लार्ज स्केल कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं इन केमिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्टिल करना रहता है बेसिकली इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एरियाज एंड अदर लाइक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज एक्सेट्रा सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में कॉन्टीन्यूअस फीड आती रहती है और कॉन्टीन्यूअस प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं इसका बेसिकली यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपका जो फीड मूविंग मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है नाउ फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं अगर कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के जनरल सेटअप की तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक होता है आपका मेन फीड आफ्टर दैट फ्रेंड्स ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका जो डिस्टिलेशन टावर है उसके अंदर फीड एंटर करता है फ्रेंड्स बैच डिस्टिलेशन के केस में आपने देखा था कि नीचे एक कैटल था जिस कैटल में आप बेसिकली मटेरियल डाल के हीटअप करते थे बट फ्रेंड्स इस केस में आप कॉन्टिन्यूस अपने टावर के मिड में आप फीड डालते रहते हैं आफ्टर दैट फ्रेंड्स नीचे ये रिबॉलर लगा रहता है ये रिबॉलर इसके जो भी ये बॉटम सेक्शन में जो भी मटेरियल रहेगा उसको गर्म करता रहता है और यहाँ से फिर प्रोडक्ट विड्रॉ होता रहता है अगर टॉप सेक्शंस में आप देखेंगे तो टॉप में एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है ये कंडेंसर फ्रेंड्स जो भी आपके वेपर सुपर की तरफ मूव कर रहे हैं ये उनको बेसिकली कंडेंस करता है और रिफ्लक्स आपका आपकी डिजायर्ड कंडीशन के हिसाब से रिफ्लक्स टावर में बैक जाता है और प्योर प्रोजेक्ट आपको बाहर की तरफ विड्रॉ करके मिलता है सो so, फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के मेजर पार्ट्स की तो फ्रेंड्स इसके मेजर पार्ट्स में बेसिकली आता है फीड लाइन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया रिबॉयलर आफ्टर दैट बॉटम कलेक्शन लाइन देन रिफ्लक्स लाइन आफ्टर दैट कंडेंसर देन डिस्टिलेट प्रोडक्ट लाइन एंड आफ्टर दैट वेरियस पैकिंग्स या फिर ट्रेस जो आपके डिस्टिलेशन टावर के अंदर अवेलेबल होती हैं जिनका बेसिकली काम रहता है परफेक्ट तरीके से सेपरेशन करवाना जो आपका जो लिक्विड और वेपर का कॉन्टेक्ट एरिया रहता है उसको बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं नाउ फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि बैच वर्सेस कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं तो फ्रेंड्स उनको समझने के लिए ये डिफरेंसेस हमें जानना जरूरी है अगर हम फ्रेंड्स मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो बैच डिस्टिलेशन के केस में मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इन बैच वाइज मैनर जबकि फ्रेंड्स कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो मैथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर यूजिंग अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रेंड्स इसमें एक बार आपने टावर में मटेरियल डाल दिया अपने कैटल में मटेरियल आफ्टर दैट जब तक वो ओवर नहीं होता है तब तक आप उसको ऑपरेट करते हैं एंड फ्रेंड्स कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कॉन्टीन्यूस टावर्स में इनलेट आता रहता है और प्रोडक्ट विड्रॉ होता रहता है सेकेंड फ्रेंड नंबर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम्स बैच डिस्टिलेशन के केस में इट रिक्वायर्स ओनली वन डिस्टिलेशन कॉलम बट कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन के केस में रिक्वायर्स एन माइनस वन कॉलम्स वेयर एन इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट नीड्स टू बी सेपरेटेड आउट थर्ड फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी ऑफ बैच डिस्टिलेशन प्रोसेस इज लो एज कंपेयर टू कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन एफिशिएंसी ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन प्रोसेस इज वेरी हाई नाउ फ्रेंड्स अब अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सीबिलिटी तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो बैच डिस्टिलेशन टावर्स हैं दे आर हाईली फ्लेक्सीबल बिकॉज सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सिंगल डिस्टिलेशन कॉलम जो कॉन्टीन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं फ्रेंड्स दे आर लेस फ्लेक्सीबल बिकॉज देर आर सेवरल डिस्टिलेशन कॉलम्स दैट आर यूज फॉर सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर अगर आपके पास में बैच डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो आफ्टर कंप्लीस ऑफ द डिस्टिलेशन एक बैच का डिस्टिलेशन होने के बाद में द कॉलम कैन बी यूज कंप्लीटली फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्सचर विद क्विकली एंड एफिशियली बट कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में अगर आपको फीड चेंज करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है चेंजिंग द फीड मिक्सचर तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक डिफ्रेंसेज होते हैं बैच और कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम्स के बारे में जो आपको जानना जरूरी है एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैच डिस्टिलेशन कॉलम्स के मोड ऑफ ऑपरेशन दो तरीके से रहते हैं आपका एटमॉस्फेरिक या फिर वैक्यूम सिमिलरली फ्रेंड्स जो आपके कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन टावर्स जो होते हैं दे कैन आइदर बी ऑपरेटेड इन एटमोस्फेरिक मैनर और इन वैक्यूम ऑल्सो सो फ्रेंड्स इनके मोड ऑफ ऑपरेशन दोनों के सेम तरीके के रहते हैं बट ये जो मैंने यहाँ पे फाइव मेजर डिफरेंसेज बताए हैं ये सारे डिफ्रेंसेज आपको बिल्कुल हमेशा टिप्स पे होने चाहिए नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बैच डिस्टिलेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन तो फ्रेंड्स बैच डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड ओवर कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन रिलेटिव रिलेटिवली स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ मटीरियल्स हैव टू भी हैंडल्ड जब फ्रेंड्स हमें छोटी क्वान्टिटीज़ के किसी मटेरियल को हैंडल करना रहता है तो उस केस में हम बेसिकली बैच डिस्टिलेशन टावर्स की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं इट इज़ मोर इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शंस थर्ड वन प्रोबेबली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एट्रीब्यूट इफ़ बैच डिस्टिलेशन इज इट्स फ्लैक्सीबिलिटी एक बैच ख़त्म होने के बाद में आप उसमें दूसरे तरीके का दूसरी क्वालिटी का मटेरियल आप इनपुट कर सकते हो स्टाइट चेंज इज रिक्वायर्ड स्विचिंग फ्रॉम वन मिक्सचर टू अनादर थोड़ा ही चेंज लगता है जब आपको एक मिक्सचर से दूसरे मिक्सचर पे जाना है इट अलाउज द यूज ऑफ मल्टीपर्पज इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम प्लांट एक ही प्लांट से आप सेम सेटअप का यूज करके अलग अलग तरीके के प्रोजक्ट आप बना सकते हो इट इज ऑल्सो प्रेफर्ड द इक्विपमेंट नीड्स रेगुलर क्लीनिंग बिकॉज ऑफ फाउलिंग और रेगुलर स्टेडलाइजेशन बैच डिस्टिलेशन में भी प्रेफरेबल फॉर प्रोसेसिंग टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स जो फ्रेंड्स आपके टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स रहते हैं उनके भी केस में हम बैच डिस्टिलेशन को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं द मिनिमम प्रेशर इन कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन इज कॉन्स्टेंट बाई टेम्परेचर इक्वायर टू कंडेंस द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स सो फ्रेंड्स इसके केस में परमिट्स बेटर प्रोडक्ट इंटेग्रिटी टू बी अचीव्ड बिकॉज एक बैच कंप्लीट होने के बाद में आप पूरे टावर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेते हैं आफ्टर दैट आप उसमें डिफरेंट तरीके का डिफरेंट इनपुट आप डाल सकते हैं सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली बैच डिस्टिलेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर द कॉन्टिनूअस डिस्टिलेशन नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बैच डिस्टिलेशन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं ओवर कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन सो फ्रेंड्स जो पहला डिसएडवांटेज होता है इज़ लॉन्ग टाइम द मिक्सचर इज एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर्स कि जो भी हमारा मिक्सचर है बैच डिस्टिलेशन में एक बार हमने अपने कैटल में मटेरियल ले लिया और उसको काफ़ी देर तक हम हीटअप करते रहे करते रहे और उससे हम प्रोडक्ट विड्रॉ करते हैं तो जो हमारा टाइम ऑफ एक्सपोजर होता है वो बैच डिस्टिलेशन के केस के में काफ़ी ज़्यादा होता है बट कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में जो टाइम ऑफ एक्सपोजर होता है मेरा वो बिल्कुल मिनिमाइज होता है सेकेंड दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन सो फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से बैच डिस्टिलेशन के केस में थर्मल डिग्रेडेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में तो ये चांसेस मेरे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं फर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ जनरली हायर इन बेस्ट डिस्टिलेशन कॉलम्स जो आपके बेस्ट डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं उनके केस में फ्रेंड्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन टावर्स फ्रेंड्स कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के टावर्स में आपका एक के बाद एक कई टावर्स एक लाइन में भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है एक सिंगल टावर भी हो सकता है जिसमें आप सेंटर से फीड डालेंगे और टॉप से कॉन्टीन्यूस सेंटर से फीडिंग आती रहेगी और टॉप और बॉटम से आप अपने प्रोडक्ट्स विड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स एक से ज़्यादा टावर भी कॉन्टीन्यूस टावर्स के केस में एक लाइन में रह सकते हैं जिसमें जब जो आपका फर्स्ट टावर है जब उसके अंदर आपको जो भी डिज़ायर टेम्परेचर प्रोफाइल आपको दी गई है जब वो डिज़ायर टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन होगी तभी आप उस टावर को नेक्स्ट टावर में आप लाइनअप करते हैं सिमिलरली फ्रेंड्स जब जो सेकेंड वन टावर है उसकी जब टावर की पूरी प्रोफाइल्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर कंपोजिशंस जब ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होती हैं तब आप उसको थर्ड टावर में लाइनअप कर सकते हो सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा बैच डिस्टिलेशन के केस में एक सिंगल डिस्टिलेशन टावर की हम बात करते हैं बट कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में इट कैन बी अ नंबर ऑफ़ टावर्स वर्किंग इन अ सीरीज सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन के केस में एक से ज़्यादा टावर्स होते हैं या फिर एक सिंगल टावर भी हो सकता है बट एक का जो आउटपुट निकल रहा है वो दूसरे में इन होता है सो फ्रेंड्स होप आपको बेस्ट डिस्टिलेशन और कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन टावर्स के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही होप आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो फिल्टर प्रेस होता है वो क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है उसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल होती है सो so फ्रेंड्स नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में हम हल्का सा ब्रेक लेंगे डिस्टिलेशन में आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विथ प्रेसर स्विंग डिस्टिलेशन सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे